यूएफओ को देखे जाने की खबरें दुनिया के हर कोने से आती हैं। मुझे एक 200 फुट डायमीटर के स्पेसक्राफ्ट में ले जाया गया था महावे डेजर्ट के ऊपर से। मैंने दो बड़े लाइट्स देखे आकाश से धरती की तरफ आते हुए। अधिकांश का मानना है कि ये एलियन एनकाउंटर असल में आधुनिक घटना है, लेकिन सच ये है कि हजारों सालों से ही उनके आने का जिक्र होता आ रहा है। प्रैक्टिकली हर मानव सभ्यता अंतरिक्ष निवासियों के संपर्क में रही है। इंडिया में, इजराइल में, माइल्स और एस्टेक्स। ये आइडिया के एक से ज्यादा नॉन ह्यूमन ग्रुप्स थे जो हमें इंस्पायर कर रहे थे। यही सच है। दुनिया में लाखों लोग मानते हैं कि अतीत में हमारे पास धरती के बाहर से लोग आए थे, पर क्या होगा अगर ये सच हो? क्या एंशियंट एलियंस ने सच में इतिहास बनाने में हमारी मदद की? अगर हाँ, तो वो कहाँ से आए थे और ये धरती पर आने वाले थे कौन? साइंस डॉक्यूमेंट्स मिस्ट्रीज। दोस्तों, आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके बन सकते हैं साइंस डॉक्यूमेंट्स मिस्ट्रीज के प्रीमियम मेंबर्स, जिसमें आपको हर वीडियो मिलेगी पब्लिश होने से पहले, और कुछ प्रीमियम वीडियोस जो कि सिर्फ प्रीमियम मेंबर्स के लिए ही उपलब्ध होगी। आपके कमेंट को देखा जाएगा और उनके जवाब भी दिए जाएंगे, और भी बहुत कुछ जो कि आपको पड़ेगा सिर्फ 89 रुपए पर मंथ पर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। द विजिटर्स। रॉजवेल, न्यू मैक्सिको, अमेरिका के दक्षिण पश्चिम में बसा सुस्त सा शहर जो किसी समय अपने बड़े मिलिट्री एयरबेस के लिए जाना जाता था, पर 1947 में सब बदल गया जब एक स्थानीय किसान ने रिपोर्ट दी कि उसकी जमीन पर एक स्पेसशिप आकर गिरा है। कई हफ्तों बाद अमेरिकी सेना ने एक प्रेस रिलीज जारी करके एक एलियन क्राफ्ट होने की पुष्टि की। अगले दिन सेना ने खबर को बदल दिया और कहा कि जो उन्हें मिला वो मौसम विभाग का एक गुब्बारा था। इन परस्पर विरोधी रिपोर्टों ने दुनिया भर में लोगों को परेशान कर दिया और रॉजवेल का नाम एक पॉप कल्चर का कोड बन गया और हमेशा के लिए रहस्यमय एलियन यात्रा के साथ जुड़ गया। रॉजवेल दुर्घटना को क्यों छुपाया गया, इसका अंदाजा लगाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि उसमें छिपी जो इन्फॉर्मेशन थी वो हमारी दुनिया को देखने के नजरिए को बदल देती। रॉजवेल की घटना के बारे में करीब करीब सभी ने सुना है, और अगर उसके बारे में बता दिया जाता तो जो प्रभाव हो सकते थे उनमें से एक ये है कि मानव जाति की उत्पत्ति और इतिहास और आर्कियोलॉजी के बारे में हमारी जो धारणाएं हैं वो टूट जाती। रॉजवेल, न्यू मैक्सिको में बहुत टाइम पहले कुछ ऐसा हुआ था जिसकी सच्चाई लोग जानना चाहते हैं। मेरे ख्याल से इंसान का स्वभाव ऐसा ही है कि वो सच्चाई की तह तक जाना चाहता है, खासकर मैं कहूँगा अपनी खुद की एग्जिस्टेंस के बारे में। आज जनमत सर्वेक्षणों से पता चलता है कि दुनिया की आधी से अधिक आबादी का मानना है कि एलियंस या तो पहले यहाँ आ चुके हैं या अब यहाँ आ रहे हैं। लेकिन वास्तव में ऐसा क्या है जिस वजह से इतने सारे लोगों का ऐसा विश्वास है? मैं मानता हूँ कि हमारे ऊपर भी दुनिया है, ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, ऐसी भी चीजें हैं जिन्हें हम नहीं समझते। अंतरिक्ष में कहीं इंटेलिजेंट लाइफ रहती है। लोग भूल जाते हैं कि हम एक ऐसे ग्रह पर हैं जो 450 करोड़ साल पुराना है। इतने लंबे वक्त के सामने हमारी सिविलाइजेशन का अस्तित्व अगर मैं चुटकी बजाऊं तो उससे भी कम समय की है। तो ये मैं कह सकता हूं कि हमारी सिविलाइजेशन सिर्फ इतने ही वक्त की है। तो ये सोचना कि इतने बड़े टाइम पीरियड में सिर्फ हम लोग ही थे, तो ये बहुत बड़ी गलती होगी। हमारे गैलेक्सी मिल्की वे में 100 बिलियन से भी ज्यादा तारे हैं। हमारे ब्रह्मांड में हमारे हिसाब से 100 बिलियन से ज्यादा गैलेक्सी हैं। तो हर तारे के लिए एक ग्रह पर एक इंटेलिजेंट लाइफ हो तो कितनी सारी एलियन सिविलाइजेशन होंगी? अगर हम खुद को सबका सिरमौर समझे, खुद को इवोल्यूशन के टॉप पर देखें, तो हम खुद को ही सबसे महान, सबसे बड़ा समझेंगे।
हम कहेंगे पूरे यूनिवर्स में हम कितने शानदार और यूनिक हैं। हम विनम्रता रखना तो बिल्कुल भूल गए हैं। हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं उतने कम स्पेशल होते जा रहे हैं। हम सोचते थे हम ह्यूमन यूनिवर्स का सेंटर है, फिर रियलाइज हुआ अरे ऐसा तो है ही नहीं, शायद हम गैलेक्सी का सेंटर है। पर नहीं, हम गैलेक्सी की स्पाइरल आर्म के 2/3 बाहर हैं, तो शायद सूरज का तो होंगे, पर नहीं। सूरज बीच में है और धरती उसके चक्कर काटती है, तो धरती सोलर सिस्टम के सेंटर में भी नहीं है। तो जितना हम जानते जा रहे हैं, ये साइंस हमें विनम्र बना रहा है। जब इंसान पहली बार चांद पर पहुंचा तो ब्रह्मांड के लिए हमारा नजरिया हमेशा के लिए बदल गया। हम एलियंस जो वहां पहुंचे 20 जुलाई 1969 को, हम एलियंस, ये पक्का है कि हम किसी शानदार प्रजाति का हिस्सा थे। मुझे नहीं लगता कि लोगों को इस बात की समझ है कि एक तारे से दूसरे तारे तक जाने में कितनी ऊर्जा खर्च होती है। इस ऐतिहासिक घटना से सवाल उठा, अगर मनुष्य अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक नेविगेट कर सकते हैं और दूसरी दुनिया का पता लगा सकते हैं, तो ब्रह्मांड के अन्य हिस्सों के प्राणियों ने ऐसा क्यों नहीं किया? हो सकता है कि वो सैकड़ों या शायद हजारों साल पहले ही पृथ्वी पर आ चुके हों। मेरे अंदाजे से इंसान का अतीत हमारी कल्पना के मुकाबले कई ज्यादा शानदार था। मैं इस बात को मान गया हूँ कि दूसरे ग्रह के लोग इस ग्रह पर आए थे। हुआची पेरू। 2000 साल पहले ये प्राचीन वस्त्र नेस्का लोगों की धार्मिक और सांस्कृतिक राजधानी थी, पर लगभग 500 एडी के आसपास नेस्का रहस्यमय ढंग से गायब हो गए और कुआची खंडहर में तब्दील हो गया। उसके 1400 साल के बाद 1910 में मानव विज्ञानी आलश हिल्लिश्का नेस्का सभ्यता का अध्ययन करने कुआची आए। खुदाई के दौरान उन्हें इतनी आश्चर्यजनक और चौंकाने वाली कलाकृतियां मिली जिन्हें उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। बहुत बड़ी बड़ी लंबे कपाल वाली खोपड़ियां, ये कहां से आई थी, वहां कैसे पहुंची और क्या वो इंसानों की थी? पेरू में हमें खूब अजीब लंबी खोपड़ियां मिली, बहुत ही विचित्र सी थी। वो लोग बिल्कुल एलियंस जैसे ही दिखते थे। कोई कह सकता है कि शायद वो एलियंस ही थे, पर हमें दूसरे पहलू पर भी पूरा ध्यान देना होगा कि सिर को लंबा करने की जो प्रथा है उसका जिक्र अक्सर प्राचीन दुनिया में देखने को मिलता रहता है। 1870 में खोपड़ी का आकार बदलने की प्रक्रिया को जॉर्ज श्वाइनफर्थ नामक जर्मन बोटानिस्ट और खोजकर्ता ने अच्छी तरह समझाया। अफ्रीकी कांगो में खोजबीन करते हुए वो मंगबेटू नामक प्रजाति के संपर्क में आए। इस जनजाति में नियमित रूप से कपाल बंधन का अनुष्ठान होता था जिससे मानव खोपड़ी का आकार बदला जाता था। वो शिशुओं की खोपड़ी को कंप्रेस करने के लिए बांध दिया करते थे जिससे क्रेनियम बाहर निकलकर लंबा हो जाता और कभी कभी तो वो 2 गुना भी हो जाता था। और बड़ा सवाल ये है कि वो ऐसा क्यों करते थे? शायद ये खास लोगों में और आम लोगों में फर्क करने का तरीका हो। शायद इस तरह से वो सामाजिक स्तर में ऊंच नीच का फर्क किया करते हो। और मुझे तो ये भी लगता है कि इस तरह से वो लोग ग्रेटर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस या फिर मेंटल एबिलिटी की हाई लेवल्स को फिजिकली
हासिल करने की कोशिश किया करते हों, अभी तक के तथ्यों को ध्यान में रखा जाए तो मुझे यही लगता है। मेरे हिसाब से वो लोग ऐसा करके देवताओं की नकल करते थे, और वो देवता जीते जागते लोग थे, क्योंकि अगर वो सिर्फ हमारे पूर्वजों की कल्पना होते तो लोगों को अपने बच्चों के साथ ऐसा रिवाज करने के लिए कोई ठोस कारण नहीं मिलता कि उनका लुक ऐसा बन जाता। और मुझे लगता है कि इन लोगों ने स्पेस ट्रेवलर्स को ही देवता समझ लिया था। कुछ लोग मानते भी हैं कि एलियंस की खोपड़ी लंबी होती है, और प्राचीन लोग वैसे ही खोपड़ी की नकल कर रहे थे। वो एक पुरानी कहावत है ना कि अगर किसी का दिल जीतना हो तो उसकी नकल करो। हालांकि एलियंस के सटीक रूप को दिखाने के लिए कई तस्वीरें बनाई गई हैं, पर उनमें से एक ने लोगों का ध्यान ज्यादा आकर्षित किया है। इसमें भी खोपड़ी का क्रेनियम लंबा है, और इस तरह के अंतरिक्ष निवासियों को ग्रेस का नाम दिया गया है। रूप और आकार की बात की जाए तो एक बहुत ही कॉमन डिस्क्रिप्शन सुनने को मिलता है, जिसे ग्रेस जैसा कुछ कहा जाता है। 3.5 या 4 फुट ऊंचे पतले दुबले जीव, जिनका सर शरीर के मुकाबले बड़ा होता है और उनकी आंखें बहुत बड़ी बादाम जैसी होती हैं। पर क्या सच में पुराने जमाने के लोग ऐसे रूप की नकल करना चाहते थे अपनी खोपड़ी को बेढंगा करके? कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का नजरिया अलग है। वो इन रिवाजों के पीछे का कारण कलात्मक अभिव्यक्ति को मानते हैं। दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो शरीर की पूजा करते हैं या फिर शरीर को आर्ट की तरह इस्तेमाल करते हैं, चाहे टैटू हो या फिर शरीर का कोई हिस्सा पियर्स करवाने की बात हो। और तो और, कुछ ट्राइब्स में लोग शरीर के किसी हिस्से को बढ़ाने की कोशिश में उसमें कुछ चीजें डाल देते हैं। हम जानते हैं कि कुछ सोसाइटीज में लोग शरीर के हिस्से को कुछ खास शेप देने की कोशिश करते हैं, जैसे पैरों को और सिर को बांधना, कारण चाहे कुछ भी रहा हो। आज हम ये जानते हैं कि कुछ ऐसा करना बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है, लेकिन लोग ऐसा करते हैं अपने शरीर को कोई खास रूप देने के लिए। इन रिवाजों के पीछे का कारण चाहे कुछ भी हो, पर ये पेरू और अफ्रीकन कांगो तक सीमित नहीं है। खोपड़ी का आकार बदलने के उदाहरण पूरे विश्व में देखने को मिले हैं। सबसे अजीब बात यह है कि ये पूरी दुनिया में देखने को मिलता है, और ये ऐसी बात है जिसे आर्कियोलॉजिस्ट ठीक से समझा नहीं पाए, क्योंकि रिमोट आइलैंड्स के लोगों या साउथ अमेरिका के या माल्टा के या अफ्रीका के लोगों का अचानक इंडिपेंडेंटली इस तरह के क्रेनेलियन डिफॉर्मेशन करना अनोखी बात है, क्योंकि ये काम सीखकर ही हो सकता है, और देखकर तो यही लगता है कि उन्हें किसी ने सिखाया था। हमें इतनी सिमिलैरिटीज दिखाई देती हैं कि कम से कम एक सिविलाइजेशन या फिर एक तरह का कल्चर पूरी दुनिया को इन्फ्लुएंस कर रहा था। मैं अब उस बात को मान नहीं पाता जो हमें ग्रेजुएट होते वक्त सिखाई गई थी, कि इन सारे अलग अलग कल्चर्स ने सिर्फ इत्तेफाक से एक जैसे कॉन्सेप्ट अपनाए, वो भी बिना एक दूसरे के ऊपर कोई भी प्रभाव छोड़े। क्या ये संभव है कि दुनिया भर के अलग अलग समाज एक जैसी घटनाओं से प्रभावित हुए हों, और वास्तव में वो दूसरे ग्रह से आए जीते जागते प्राणियों की नकल कर रहे हो? लंबी खोपड़ी के कुछ महत्वपूर्ण चित्र इजिप्ट में देखने में आते हैं, जिनमें वहां के एक बहुत ज्यादा विवादास्पद फेरो को दिखाया गया है। क्या ऐसा हो सकता है कि वो भी अंतरिक्ष निवासियों के रूप की नकल कर रहा हो, या फिर इससे भी ज्यादा आश्चर्यजनक कारण हो सकता है? क्या वो खुद उनमें से एक था? इजिप्ट। इजिप्शियन के पिरामिड बनाने से बहुत पहले, या उनके नील नदी के किनारे बसने से भी बहुत पहले, वो एक समय काल की बात करते हैं जिसे कहते हैं टेपज़ेपी या समय की शुरुआत। ऐसा कहा जाता है कि टेपज़ेपी वो समय था जब आसमान के देवता
धरती पर सितारों से उड़ती नाव में बैठकर आए थे और फिर उन्होंने पानी और मिट्टी को एक नए साम्राज्य में बदल दिया। ईश्वर के लिए प्राचीन मिस्र में शब्द था नित्रों। इसका शाब्दिक अर्थ है वो जो ब्रह्मांड से आया है। वो इस बात पर अडिग थे कि उनके जो देवता हैं वो तारों से यहाँ आए हैं। वो हमें बताते हैं कि उनके देवता ओसायरस, उनकी पत्नी और उनकी बहन गॉडेस आइसिस जो मिलकर राज्य करते थे, वो देव सितारे थे जिन्हें वो पहचानते भी थे। ओसायरस की पहचान है ओरायन तारामंडल और आइसिस को आसमान के सबसे चमकीले सितारे के रूप में पहचाना जाता है। इसमें एक इंटरेस्टिंग ये है कि ओरायन तारामंडल जो है वो वास्तव में सितारों की नर्सरी है। हमारी आकाशगंगा के तारे वास्तव में इसी जोन में पैदा हुए हैं। इसीलिए प्राचीन मिस्रवासियों का ये दावा बहुत खास है कि देव सितारों का जन्म इसी तारामंडल में हुआ और उन्हें पूरा विश्वास है कि उनका ओरिजिन आसमान में है। दुनिया की प्राचीन सभ्यताओं की एक बहुत ही अनोखी बात यह है कि उन्हें सितारों, ग्रहों, आकाशीय हलचलों का अद्भुत ज्ञान था। आसमान में क्या हो रहा है इसके बारे में वो प्राचीन दुनिया के औसत व्यक्ति को आज के बहुत से पढ़े लिखे लोगों की तुलना में ज्यादा जानकारी थी। प्राचीन इजिप्ट के महान सभ्यता में विकसित होने के बाद वहां के लोग मानने लगे कि उनके फेरोज ओसायरस के संतान थे और इसीलिए साक्षात देवता थे। आर्टवर्क और दीवार की नक्काशी में उन्हें संपूर्ण मानव के रूप में चित्रित किया गया और हालांकि लोग कई अलग अलग देवताओं की पूजा करते थे पर फेरो का स्थान सबसे ऊपर था। इजिप्ट का ये पहला धार्मिक नियम 1000 साल तक कायम रहा जब तक एक फेरो ने आकर सब कुछ बदल नहीं दिया। उनका नाम था आखेनाटन और अपने हर एक चित्रण में उन्हें लंबी खोपड़ी के साथ दिखाया गया है। वो कौन थे? इजिप्ट के पौराणिक कथा के अनुसार वे भी टेपज़ेपी के टाइम दूसरे देवताओं के साथ धरती पर आए थे, पर आखिर क्यों? आज भी कई लोग मानते हैं कि आखेनाटन वास्तव में सितारों से आए थे। आखेनाटन 1352 ईसा पूर्व में 18वीं राजवंश के 10वें फेरो के रूप में सिंहासन पर बैठे। उसके तुरंत बाद उन्होंने कई देवताओं को पूजने पर प्रतिबंध सहित एक के बाद एक कई धार्मिक परिवर्तन किए। ये अजीब बात है कि उन्होंने एक झटके से सब बदलना चाहा और उन्होंने पिछले सारे देवी देवताओं की प्रतिमाएं हटाने का आदेश दिया। केवल एक प्रतीक रखने की इजाजत दी जो कि सूर्य का प्रतीक था और इसमें सूर्य से खूब सारी किरणें नीचे की ओर बरस रही थी। उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उनकी राइटिंग्स में और उनकी पोयम्स में लिखा था जो उनके लिए बाद में लिखी गई थी, उनके पास ऐसे लोग आए थे जो आसमान से उतरे थे। उन्होंने अखनाटन से कहा था कि ये है सही तरीका और मैं तुम्हारा ईश्वर हूं। इस सूर्य देव का नाम एटन था और आखेनाटन का दावा था कि वो आखेनाटन के सीधे वंशज थे। दूसरे फेरोस की तरह आखेनाटन भी खुद को दिव्य मानते थे, मतलब वो देवता थे। न सिर्फ वो खुद को देवता मानते थे बल्कि पूरा देश उन्हें देवता मानता था और देवता की परिभाषा ये है कि वो अंतरिक्ष निवासियों के वंशज थे। फेरो के रूप में अपने चौथे साल में आखेनाटन ने एक नई राजधानी बनाने का आदेश दिया। उसका नाम अमारना रखा और उसे सूर्य को समर्पित किया। आखेनाटन ने अगले 10 साल यहां बिताए। इन सालों के दौरान उसने आर्ट और कल्चर में और अपने सार्वजनिक चित्रों में काफी बदलाव किए। इजिप्शियन आइकोनोग्राफी में इजिप्शियंस के फेरोस के शरीर का आकार तिकोना होता है, जैसे बहुत चौड़े कंधे और बहुत ही पतली कमर। अब अगर हम आज के लीडर्स को देखें तो उनके चेहरे, कंधे या फिर पतली कमर नहीं होती,
लेकिन इजिप्ट के फैरोज को ऐसा दिखना बहुत ही जरूरी था। चौड़े कंधे और पतली कमर, कहा जा सकता है कि राजा का कैसा होना चाहिए ये उसका प्रतीक था। अखेनाटन के साथ उल्टा था, वो खुद को जैसा देखते थे वैसा ही दिखाते थे। बहुत ही अजीब सा लुक जो कि बहुत रहस्यमय था। अगर हम अखेनाटन की मूर्तियों को गौर से देखें तो वो बहुत ही अजीब दिखने वाले कैरेक्टर्स थे। हम कह सकते हैं कि फेमिनिन पहलू के साथ साथ मैस्कुलिन पहलू भी देखने को मिले, जैसे कि उनकी लंबी खिंची हुई खोपड़ी। अखेनाटन की शाही प्रतिमा में बदलाव के बाद उन्हें जैसा वो वास्तव में दिखते थे वैसा ही दिखाया गया है। एक बेढंगे आकार का सर, मोटा पेट, अंदर धसी हुई छाती, जो मिस्र की आदर्श मूर्तियों के विपरीत था, जिसमें पारंपरिक कलाकार बड़े मजबूत पैरों को दिखाते थे। अखेनाटन की पत्नी रानी नेफर्टिटी और उनके बच्चों को भी लंबी खोपड़ी के रूप में चित्रित किया गया था। तो अखेनाटन और नेफर्टिटी के सिर विकृत क्यों थे? क्या वो अनुवांशिक असामान्यता से पीड़ित थे या उन्होंने जानबूझकर अपना आकार बदला था? कुछ लोगों का मानना है कि उनके अजीब दूसरे ग्रह जैसे रूप के पीछे एक दूसरा स्पष्टीकरण हो सकता है। वो वाकई दूसरे इंसानों से अलग दिखते थे। क्या ये संभव है कि अखेनाटन हकीकत में एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल हाइब्रिड हो? एंशिएंट एलियन में यकीन करने वाले लोग मिस्र के फैरो अखेनाटन को देखकर कहेंगे कि हाँ, जरा इसका लंबा सर तो देखो, ग्रे एलियन जैसा ही दिखता है, ऐसा कुछ जो इंसानी ना हो, इंसान और किसी दूसरे प्रजाति के हाइब्रिड जैसा। मेरे ख्याल से ये सबूत है एलियन के इंटरफेस का, उनके इंसानों के साथ बच्चे पैदा करने का। मैं इजिप्ट गई थी, वहाँ मैंने प्राचीन आर्कियोलॉजिकल अवशेष देखे, जिसमें सबसे अनोखा था यूनिक फैरो अखेनाटन। उनका बहुत ही पतला नुकीला चेहरा था, ऊंची चीक बोन्स और बहुत लंबा खिंचा हुआ क्रेनियम था। ये आइडिया कि वो लोग एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जैसे दिखते थे या शायद उनमें एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल डीएनए थे, ये मानने लायक बात है। अखेनाटन ने 17 वर्षों तक शासन किया। उनके शासनकाल के बाद अमरना को वीरान कर दिया गया और सूर्य मंदिरों को नष्ट कर दिया गया। अखेनाटन की मूर्तियों को जानबूझकर बिगाड़ा गया। प्राचीन इजिप्ट कई देवताओं की पूजा करने के अपने पुराने तरीकों पर तुरंत लौट आया। क्या ये अखेनाटन के कट्टरपंथी धार्मिक विश्वास के लिए असहमति थी या उनकी विदेशी पहचान को छिपाने की कोशिश? इस बारे में बहुत सारे थ्योरीज हैं, और अगर उनमें से सबसे एक्सट्रीम ये है कि उनका कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल कनेक्शन था, और अगर हम इस कंक्लूजन को मानते हैं तो ये समझ में आता है कि उन्हें शासन से क्यों हटा दिया गया, और कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें मार दिया गया। इजिप्ट के कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि अखेनाटन को पद छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था, और वे अपने वफादार अनुयायियों के एक समूह के साथ इजिप्ट से भाग गए थे। 1907 में एडवर्ड आयर्टन नामक एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट ने इजिप्ट की वैली ऑफ द किंग्स से अखेनाटन के शरीर को निकाला। अखेनाटन के ममीकृत अवशेषों को खोलने के बाद वे इस बात की पुष्टि कर पाए कि वास्तव में प्राचीन फेरो की खोपड़ी विकृत और लंबी थी। कुछ स्कॉलर्स का तर्क है कि वो किसी तरह की फिजिकल एबनॉर्मलिटी से जूझ रहे थे। वो ऐसे डिसऑर्डर से पीड़ित थे जिसके कारण उनका चेहरा लंबा दिखाई देता था और सर वास्तव में लंबा था। मुझे लगता है कि अखेनाटन में एक शारीरिक विकृति थी जिसको शाही कलाकारों ने छिपाया नहीं था, जैसे कि फूला हुआ पेट, धसा हुआ सीना और लंबा सिर। अखेनाटन के बाद गद्दी पर उनका बेटा तूतनखामन बैठा, जो अब तक का सबसे प्रसिद्ध फैरो बना। जब 1922 में हावर्ड कार्टर ने उनकी कब्र की खोज की तो पाया कि तूतनखामन की खोपड़ी भी लंबी थी।
क्या उन्हें अपने पिता से एलियन जीन विरासत में मिले हैं? आखेनाटन का अधिकांश जीवन आज तक एक रहस्य बना हुआ है। क्या उन्होंने सच में इजिप्ट के पूरे धार्मिक विश्वास को बदला क्योंकि वे धरती पर दूसरे ग्रह से आए थे? अगर ये सच है तो क्या पृथ्वी पर इसी तरह के प्राणियों के आने के और प्रमाण हो सकते हैं? शायद कुछ और सुराग हजारों मील दूर अफ्रीकी महाद्वीप के दूसरी ओर मिल जाए। उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में स्थित है माली। एक सुदूर घाटी की गहराई में डोगोन लोग रहते हैं, जो एक खानाबदोश जनजाति के वंशज हैं। ये यहाँ लगभग 1000 ई में आकर बसे थे। आखेनाटन और उनके अनुयायियों की तरह ही डोगोन लोगों को धार्मिक उत्पीड़न के तहत ही इजिप्ट छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था। डोगोन लोगों का दावा है कि उनकी परंपरा बहुत लंबी और प्राचीन है, और मेरी राय में इन्होंने प्राचीन मिस्र की परंपराओं और मिथकों को अभी तक सहज के संभाल कर रखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि प्राचीन मिस्र की आस्था का एक हिस्सा आज भी जिंदा है और उसे डोगोन लोग आगे बढ़ा रहे हैं। पर उनकी आस्था आखिर क्या कहती है? डोगोन की पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि आकाश के देवता आमा ने पहला जीवित प्राणी नोमो बनाया। लेजेंड ये भी कहती है कि अपनी रचना के कुछ ही समय बाद नोमो कई भागों में गुना हो गया, जिनमें से एक ने आमा के खिलाफ विद्रोह कर दिया। आमा ने पलटवार करते हुए उसे नष्ट किया और उसकी राख पूरी दुनिया में बिखेर दी। डोगोन लोगों की मिथ के हिसाब से उन्हें एक देवता ने ये नॉलेज दी थी। वो आसमान से नाव पर बैठकर आग की धार में से होता हुआ तूफान पर उतरा। आज भी डोगोन नामों के सम्मान में एक त्योहार मनाते हैं, और ये उस जमाने में हुआ था, वो पुराने जमाने में यहाँ आया था। हम इसके बारे में कैसे जानते हैं? इस त्योहार के लिए लकड़ी का मुखौटा बनाते हैं, जो बहुत पहले के टाइम से बनाए जा रहे हैं, जब ये त्योहार शुरू हुआ था। डोगोन मुखौटे इनके पूर्वजों के रहस्यमय कहानियां बताते हैं। ये रचयिता की मूर्ति है, ये उसे अम्मा कहते हैं। ये ब्रह्मांड को गले लगा रहा है। इस तरह मुखौटों में उकेरी गई कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सूचनाएं प्रसारित करती है। पर क्या नोमो एक असली इंसान था? कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि डोगोन लोगों की कहानी और रहस्यमय फेरो आखेनाटन की कहानी में काफी समानता है। आखेनाटन का कहना था कि वो सूर्य देव आटन के सीधे वंशज थे, और नोमो के लिए माना गया कि उन्हें आसमान के देवता आमा ने बनाया है। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक की बात है कि एक दूसरे से हजारों किलोमीटर दूर दो संस्कृतियां आसमान से आने वाले लोगों की लगभग एक जैसी बात करती हैं, और नोमो और आखेनाटन दोनों को लंबे सिर वाला दिखाया गया? क्या ये संभव है कि ये दंत कथाएं असली घटनाओं पर आधारित हो? डोगोन पांड्यागारा के मध्य पठारी हिस्से में रहते हैं। उनका ज्ञान सदियों पुराना है, और उनके पुजारी इसे केवल चुने हुए व्यक्तियों को ही देते हैं। 1920 के दशक में फ्रांसीसी आर्कियोलॉजिस्ट ग्रियर और एथनोलॉजिस्ट डिटरलिन इस जनजाति के पास आए और उनसे उनके रहस्य जाने। पर एक रहस्य सबसे खास था। डोगोन ने दावा किया कि उनके देवता आमा सीरियस नक्षत्र के एक खास तारे से आए थे, अंतरिक्ष का वही स्थान जहां प्राचीन इजिप्ट के लोग मानते थे कि उनके देवता ओराइसिस का जन्म हुआ था। इस तारे को मॉडर्न एस्ट्रोनॉमर्स सीरियस बी के नाम से जानते हैं, पर डोगोन
पोर्टोलो के नाम से बुलाते हैं, लेकिन एक बात से विशेषज्ञ पूरी तरह चौंक गए, वो ये कि ये तारा पृथ्वी से इतनी दूर है कि इसे नग्न आंखों से देखना असंभव है। वैसे मैं इस बात से बहुत प्रभावित हुआ कि डोगोन्स को इस तारे के अस्तित्व के बारे में आखिर कैसे पता चला। सीरियस हमारे सोलर सिस्टम का दूसरा नज़दीकी तारा है, ये 8 प्रकाश वर्ष दूर है और ये आम टेलीस्कोप से तो दिखाई भी नहीं देता है। इसे पहली बार 1970 के दशक में देखा गया था और इसके फोटोज लिए गए। मॉडर्न साइंस ने पुष्टि की है कि सीरियस बी असल में मौजूद है। प्रॉब्लम ये है कि मॉडर्न साइंस के पुष्टि करने से पहले ही डोगोन इसके बारे में जानते थे, मतलब ये डरावना है। 2003 में हबल टेलीस्कोप से लिए गए मापों ने पुष्टि की कि सीरियस बी एक सफेद बौना तारा है। अत्यधिक घने द्रव्यमान वाला आंशिक रूप से जला हुआ तारा। हालांकि ये आकार में पृथ्वी से छोटा है, लेकिन अनुमान है कि इसका वजन हमारे सूरज से 8 गुना ज्यादा है। लेकिन डोगोन लोगों को खगोल विज्ञान का ये प्राचीन ज्ञान पहले से ही था, इसीलिए ये आधुनिक विज्ञान की तुलना में कई सदी ज्यादा एडवांस दिखाई देते हैं। एक रहस्य ये है कि ये कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे चली। अगर कहानी उस वक्त की है जब एस्ट्रोनॉमर्स को भी नहीं पता था कि सीरियस का एक कंपेनियन स्टार है जिसको ह्यूमन आई से नहीं देखा जा सकता था। ये सीरियस का डोगोन सिंबल है। जब आप इसे घुमाते हैं तो सेंटर के चारों ओर एक ऑर्बिट बनता है जो सीरियस ए ने मार्क किया है। सीरियस बी इसके चारों ओर घूमता है तो यह एक सर्कुलर सिस्टम है। ये साइन एक प्रैक्टिकल एस्ट्रोनॉमिकल मॉडल है जिसका आविष्कार डोगोन नहीं कर सकते थे, क्योंकि सीरियस ए दिखाई देता है पर सीरियस बी और सी दिखाई नहीं देते। फिर भी उनकी ऑर्बिट का डिस्क्रिप्शन सही है। एक अंदाज ये लगा सकते हैं कि उनकी ये देवता नोमो जिन्होंने ये नॉलेज दिया, उनमें एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस थी। 20वीं शताब्दी की शुरुआत से ही एंथ्रोपोलॉजिस्ट इस जनजाति पर लगातार अध्ययन और शोध करते रहे हैं। इसके बाद कई आधुनिक इतिहासकार दावा कर रहे हैं कि डोगोन लोगों ने खगोल विज्ञान के बारे में पश्चिमी लोगों से सीखा होगा। डोगोन्स की माइथोलॉजी इतनी आसान है कि जब विज्ञान किसी चीज की पुष्टि करता है जिसे पुराने जमाने में भी माना गया था तो एक संजोग जैसा लगता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये कोई बहुत ही पुरानी कहावत हो जो कि किसी वैज्ञानिक के कान तक पहुंच गई हो, क्योंकि इसे बुलाना इतना आसान नहीं है। मतलब उन्होंने किसी तारे के बारे में किसी से सुना होगा और फिर उसे अपनी माइथोलॉजी में शामिल भी कर लिया, फिर उसे उन्होंने अपने धर्म में शामिल किया। ऐसी सिचुएशन में जब कोई रिपोर्टर आके उनसे पूछेगा कि आप ऐसा क्यों मानते हैं तो वो कहेंगे हम ऐसा सदियों से मानते हुए आए हैं। क्रिटिक्स का ये कहना है कि ये ज्ञान उन्हें मॉडर्न एथनोलॉजी से मिला है। ये बात बिल्कुल गलत है क्योंकि हम जानते हैं कि ये कहानी सैकड़ों साल पहले से चली आ रही है जब इनमें से कोई मॉडर्न एथनोलॉजिस्ट पहुंचा ही नहीं था। अगर ये साबित हो जाए कि ये सारी जानकारी बिल्कुल सटीक है उस समेत जिस पर वैज्ञानिक अभी भी रिसर्च कर रहे हैं, तो ये भी पक्का हो जाएगा कि प्री हिस्टोरिक टाइम्स में धरती पर बाहर से लोग आए थे। जो भी हो, उन्होंने ये नॉलेज कहीं से तो ली है, चाहे पिछली मानव सभ्यता से ही ली हो या किसी दूसरे ग्रह की सभ्यता से, या ये इत्तेफाक भी हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से इत्तेफाक नहीं है। अगर डोगोन लोगों को वास्तव में एडवांस्ड एस्ट्रोनॉमिकल नॉलेज थी तो क्या सच में उनकी लेजेंड्स वास्तव घटनाओं पर आधारित थी? आकाश से आने वाले देवताओं या रहस्यमय प्राणियों में विश्वास करने वाले प्राचीन इजिप्शियंस और डोगोन अकेले नहीं थे। क्या दुनिया भर की प्राचीन संस्कृतियों में नजर आने वाले इन एक जैसे मिथकों का कोई स्पष्टीकरण है? और क्या उससे ये पता चल सकता है कि ये विजिटर्स कौन थे? इसका जवाब उत्तरी अफ्रीका में तो नहीं मिला, पर शायद दक्षिण पश्चिमी अमेरिका की चट्टानों और घाटियों में मिल जाए। न्यू मेक्सिको के गैलप से 48 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है पुएब्लो ऑफ ज़ुनी।
चारों ओर ऊंचे वीरान मैदानों और ईंटों के मकानों वाला ये शहर जूनी इंडियंस का घर है, जो उत्तरी अमेरिका की सबसे पुरानी स्थानीय जनजातियों में से एक है। ये लगभग 2000 सालों से इस भूमि पर रह रहे हैं और अपने रहस्यों को उससे भी ज्यादा समय से सुरक्षित रखा हुआ है। जूनी बहुत ही इंटरेस्टिंग कल्चर है, इस मायने में कि ये उन कुछ एक संस्कृतियों में से एक है जिन्होंने सितारों के बारे में अपना ज्ञान दुनिया के साथ अब तक नहीं बांटा। इस तरह की ज्यादातर जानकारियां मूल निवासियां बस अपने लोगों के बीच ही रखते हैं। और मुझे ये बहुत इंटरेस्टिंग लगता है कि ये इतिहास का वो टाइम है जहां अब हम उनके सितारों के ज्ञान के बारे में सिखाना शुरू कर रहे हैं। जूनी लोगों का अधिकांश इतिहास न्यू मेक्सिको के रेगिस्तान के चट्टानों में उकेरा गया है। कबीले के बुजुर्ग क्लिफर्ड महूटी और आर्कियोलॉजिस्ट डैन सिंप्लिसियो ने जूनी के गुप्त इतिहास का करीब से अध्ययन किया है। उन्होंने पीढ़ियों से चली आ रही कहानियों को एकत्र किया, जिनका आधार ये विश्वास है कि जनजाति के रचयिता और संरक्षक आसमान के अलौकिक प्राणी हैं। ये देखिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मुझे लगता है कि इसको पिछली शताब्दी में बनाया गया है, पर इस डिजाइन में एक स्टार का फिगर दिख रहा है। हमारे कल्चर पेट्रोग्लिप्स में अंतरिक्ष पिंड बहुत दिखाई देते हैं और उनमें से एक ये है और इसमें सितारा है। मेरे ख्याल से ये क्रैब नेबुला का सुपरनोवा हो सकता है। हमारी जूनी माइथोलॉजी में, प्रार्थनाओं में, रीति रिवाजों में उन लोगों का जिक्र होता है जो यहाँ आए थे और उन्होंने हमें बताया था कि आसमान के लोग होने के नाते हमें अपनी लाइफ कैसे जीनी चाहिए। अगर आप हमारी धर्म के मंत्र और भजन और प्रार्थनाएं सुने तो इन सब में वही है जो अंतरिक्ष की बात करते हैं, वो ब्रह्मांड में उस जगह की बात करते हैं जहां से वो आए थे। यही सब इन चट्टानों की दीवार पर चित्रित किया हुआ है, लेकिन इसका वास्तविक अर्थ कहीं ज्यादा गहरा है और कहीं ज्यादा जटिल भी। ये चित्र करीब 1200 BC पुराने हैं, फिर भी इनमें आधुनिक अंतरिक्ष यात्री और उनके विमान दिखाई दे रहे हैं। जरा यहां देखिए, यहाँ पर ये एक और चित्र है। इसमें डोम है, इसमें आँखें हैं और यहाँ कुछ नीचे आ रहा है। हाँ, नाक जैसा, पर ये फैला हुआ सा है। मुझे लगता है कि इसका जुड़ाव उससे है जो प्राचीन लोगों ने देखा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा वैसा बनाने की कोशिश की होगी। हाँ बिल्कुल, वैसा नहीं बना पाए होंगे, इसमें काफ़ी डिस्क्रिप्शन डालने की कोशिश की है। ये सारे पेट्रोग्लिफ्स और ये सारी चीज़ें हो सकता है इनका कोई मतलब हो सकता है किसी ने टाइम पास के लिए बनाया हो, पर ज़्यादातर टाइम डिस्क्रिप्शन एक्चुअल हो सकते हैं, दूसरे ग्रह के किसी देवता या किसी एंशिएंट एस्ट्रोनॉट का डिस्क्रिप्शन। और अगर आप जूनी पुएब्लो जाएं तो वो खुद आपको बताएंगे उनके बारे में। उन पेट्रोग्लिफ्स को खुद जूनिस भी अंतरिक्ष के लोग कहते हैं। और इस वाले में देखिए, दो पैर बाहर आ रहे हैं और चौड़ी डायमंड शेप बॉडी है। मुझे लगता है कि सिर भी यहीं पर है, लेकिन ये इंसानों जैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। वैसे आमतौर पर उन्हें UFO कहते हैं, लेकिन जूनी तौर तरीकों में हमने सीखा है कि वो ऊपर की दुनिया के रखवाले हैं, जिसका अर्थ है अंतरिक्ष वो आसमानी लोग हैं, प्राणी जो अलौकिक मूल के हैं। और ये बात आज तक भी हमारी पौराणिक कथाओं और हमारी धार्मिक प्रथाओं में आती है। अधिकतर इंडियन कबीलों की तरह जूनीज इन आसमानी लोगों को कचीनास कहते हैं। जूनीस की उत्पत्ति की कहानी के अनुसार कचीनास देवता जूनीस को स्वर्ग से धरती तक एक खास प्रवेश मार्ग से लेकर आए। चौथी दुनिया नीचे की दुनिया में आने का वो प्रवेश मार्ग है सिपापू, और यही रास्ता कचीनास के आने और जाने का भी है। तो
माइथोलॉजीज कहती है कि जूनिस को प्रकाश की दुनिया में लाया गया जहां हम आज हैं और जो हमें लेकर आए उन्हें मैं अब अंतरिक्ष के एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बींग्स ही कहूंगा। हर साल जूनिस एक उत्सव मनाते हैं जिसे शलाको फेस्टिवल कहा जाता है। कचीनास का प्रतिनिधित्व करने के लिए पारंपरिक वेशभूषा में तैयार होकर इंडियंस देवताओं के पृथ्वी पर आगमन का जश्न मनाते हैं। ये कचीना देवताओं का पुतला है और ये लोग आसमान से धरती पर आने वाले देवता हैं। ये अजीब से हेलमेट पहनते हैं। इसने सिर पर हेलमेट पहन रखा है और इसकी पूरी बॉडी को देखें तो इसने एक तरह का सूट पहन रखा है। इस वाले ने भी हेलमेट पहना है और ये वाइजर है। पुएब्लो इंडियंस जैसे कि जूनिस के लिए ये उनके आसमानी देवता हैं जिनके लिए वो हर साल त्योहार मनाते हैं। लोग स्पेशल कॉस्ट्यूम्स और मास्क पहनकर देवताओं के आने की याद को ताजा करते हैं। ये एकदम एंशिएंट एस्ट्रोनॉट्स ही लग रहे हैं। अगर हम दक्षिण पश्चिम अमेरिका के इंडियन कबीलों की कविताएं और कहानियां सुने तो उसमें सितारों से आए लोगों की कथाएं हैं। सितारों से लोग पृथ्वी के ग्रह पर आए और उन्होंने धरती को आबाद किया और वो उड़ते हुए जहाज में आए। आप इनके बुजुर्गों से पूछेंगे तो ये बताएंगे कि उन्हें एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल के अस्तित्व पर यकीन है। जूनिस की कोई लिखित भाषा नहीं है। स्टोरी टेलर आकर छोटे बच्चों को सुनाता है कि क्या, कब और कैसे हुआ था। वो अपनी सेरेमनीज में जितने भी गीत गाते हैं उनमें इस कहानी को बार बार सुनाया जाता है। उनके रीति रिवाज, आस्था, सब कुछ इंडियन तरीकों से किए जाते हैं। जो अज्ञात हैं, उसे समझाने के लिए ये अपने तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स एक क्राफ्ट की बात करते थे जो पूरब की तरफ एक चपटी पहाड़ी पर आकर गिरा था। तब उनके सामने एयरक्राफ्ट का कोई इंटरप्रिटेशन नहीं था, तो उनकी समझ में उड़ने में सक्षम एक ही चीज हो सकती थी, वो था या तो पक्षी या हमारे मास्क पहने हुए कचीना डांसर्स। हम बहुत बहुत अंधविश्वासी लोग हैं। जूनिस इतिहास में हमेशा ऐसा हुआ है कि वो लोग हमेशा से आसपास रहे हैं, यहाँ पर भी जहाँ हम अभी बैठे हैं, पर हम उन्हें देख नहीं सकते। वो अलग फ्रिक्वेंसी पर हैं और वो बहुत पवित्र हैं और वो बहुत गुप्त हैं, यहाँ कहीं भी हो सकते हैं। जो लोग इस बात पर यकीन करते हैं कि प्राचीन अंतरिक्ष यात्री हजारों साल पहले धरती पर आए थे, उन्हें प्री हिस्टोरिक आर्ट वर्क में और ज्यादा सुराग मिलते हैं जो उनके दावे को मजबूत करने वाले सबूतों की तरह है। प्राचीन इजिप्ट की वॉल क्रेविंग्स और मूर्तियों से लेकर पश्चिमी अफ्रीका के कबीले के रीति रिवाज और अनोखे मुखौटों तक, अमेरिका दक्षिण पश्चिम के पेट्रोग्लिफ्स तक, ये सभी हजारों साल पुराने हैं और सभी में आसमान से लोगों के आने की एक जैसी कहानियां हैं। क्या हजारों साल पहले धरती पर आने वाले एलियन प्राणियों ने कहीं और की पारंपरिक आस्था को भी प्रभावित किया था? जानने के लिए बने रहिए हमारी इस सीरीज में और कमेंट करके बताइए कि आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए या नहीं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना ना भूलें।